बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हावर्ड एकेडमी की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हैं। हावर्ड एकेडमी CSS PMS फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, बाकी जितने प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन है या NTS UTS OTS वगैरह जितने भी हैं सर्विस, उनकी वन पेपर और रिटर्न टेस्ट की कम्प्लीट प्रिपरेशन करवाते हैं। आप हमें www.howardacademy.com ये हमारी वेबसाइट का एड्रेस है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हमारा सलाह पर भेजना है 0345706666, इस पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज का हमारा जो जनरल नॉलेज पे एक लेक्चर है, जिसका अंडरस्टैंड करना आप में से हर एक का लाजमी है। जब हम समझते हैं कि हमें जनरल नॉलेज के बारे में कुछ आइडिया होना चाहिए, तो बेसिकली पाकिस्तान के बारे में हम जब बात करेंगे, तो जो आज का टॉपिक है इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको इसके बारे में पहले नो हाउ नहीं है, तो ये बड़ा बहुत ज़्यादा यूज़फुल है आपके लिए। और जब आप इस टॉपिक पे आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी, तो पॉलिटिकल सिस्टम जो पाकिस्तान का है, उसको अंडरस्टैंड करने में आपकी मदद होगी। अदरवाइज बहुत सारे जो मैच्योर लोग मैंने देखे हैं, जिनको पॉलिटिकल सिस्टम का नो हाउ नहीं होता, तो ये एक गैप था जिसको मैंने इस लेक्चर में फिल करने की कोशिश की है। तो अगर आप इस पूरे हायरार्की को देखते हैं, ये जो हमारे पास पिक्चर है, तस्वीर है, तो इसमें हमारे पास गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है। गवर्नमेंट स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान, तो तीन जो पहले यहाँ पे येलो कलर में आप देखते हैं जो ऑप्शन है हमारे पास, तो इनमें एग्जेक्टिव गवर्नमेंट, और इसके बाद सेकेंड है द पार्लियामेंट, और उसके बाद द जुडिकेचर, यानी कि जुडिशरी, द पार्लियामेंट, एग्जेक्टिव गवर्नमेंट। ये तीन पिलर्स हैं जिस पे स्टेट की जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो स्टैंड करता है। अगर हम सबसे टॉप पे बात करें जो एग्जेक्टिव गवर्नमेंट है, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर टॉप पे होता है, और फेडरल कैबिनेट, जो प्राइम मिनिस्टर है वो फेडरल कैबिनेट उसके जो उसके जो मतहत काम कर रही होती है, फेडरल कैबिनेट जो द प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद फेडरल कैबिनेट। फेडरल कैबिनेट में जो फेडरल कैबिनेट है, किस पे कंप्राइज होती है, इसमें जो है मिनिस्टर्स और एडवाइजर। आपने ऐसा सुना होगा कि प्राइम मिनिस्टर ने अपने एडवाइजर नोमिनेट किए हुए हैं, और उनमें मिनिस्टर, और जब भी कभी कैबिनेट की मीटिंग होती है, तो ये दोनों बैठे होते हैं, और फेडरल कैबिनेट की मीटिंग होती है, और उसमें जो भी फैसले होते हैं उसको प्राइम मिनिस्टर एंडोर्स करता है, और उसकी एग्जीक्यूशन होती है, यानी कि जितनी भी लेजिस्लेशन होती है। और लेजिस्लेशन क्या होती है, पार्लियामेंट के अंदर लेजिस्लेशन होती है। लेजिस्लेशन का मतलब है कानून साजी, जितनी भी कानून साजी होती है यहाँ पे बन रही होती है, और कानून जब बन जाता है तो उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए यहाँ पे फैसले हो रहते हैं। और यहाँ पे जुडिकेचर है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट के नीचे फेडरल शरीयत कोर्ट है, जो प्रोविंशियल हाई कोर्ट है वो भी इसके अंदर है, और मुंसिपल भी इसी के अंदर होती है, और सिटी कोर्ट्स इसके मजीद नीचे होती है, यानी कि प्रोविंशियल में आगे डिस्ट्रिक्ट होता है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह, और आगे चल के इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो जो मेन आपका पॉलिटिकल सिस्टम है, इस पूरे डायग्राम में आपको समझ आ जाता है। तो अब आगे चल के जब हम इसके डिटेल पे बात करेंगे, तो आपको मजीद इसकी अंडरस्टैंडिंग आएगी। तो एक बार फिर आपको बताते चलूँ, आप ये पूरा लेक्चर हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको हम कोर्स ऑफर कर रहे हैं जनरल नॉलेज के, इस तरह के हमारे बहुत सारे जो हैं वो लेक्चर्स आपके लिए अवेलेबल होंगे। तो पॉलिटिकल सिस्टम हमने आज समझना है, द पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान टेक्स प्लेस विद इन द फ्रेमवर्क एस्टैब्लिशमेंट या एस्टैब्लिश बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा आइन है, वो इन चीज़ों पर बुनियाद कर रहा है। जो आइन बना हुआ है, ये कानून साजी हुई है, कहाँ पे, जो हमने एक मैंडेट पढ़ा है द पार्लियामेंट, या पार्लियामेंट को आप लेजिस्लेचर भी कहते हैं, या फिर आप मजलिस शूरा भी कहते हैं। तो मजलिस शूरा के बारे में डिटेल से आगे बात करेंगे। मजलिस शूरा कब बनती है, तो मजलिस शूरा में जब कानून बनते हैं, तो उसको एग्जीक्यूट जो करवा रहे थे, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है प्राइम मिनिस्टर के पास। द कंट्री इज ए फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक इन विच प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंजॉय ए हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी एंड रेजिड्यूरी पावर्स, यानी कि जो हमारे पास पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है उनके पास ऑटोनॉमी काफ़ी है, और 18वीं तरमीम के बाद उनके पास बहुत सारी पावर्स आ चुकी हैं। तो एग्जेक्टिव पावर की अगर बात करें, जो हमने टॉप पे देखा, जो प्राइम मिनिस्टर के साथ है, इज वेस्टेड विद द नेशनल कैबिनेट विच इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। और ये सारी पावर्स किसके पास होती हैं, जो नेशनल कैबिनेट है, यानी कि काबीना, और उस काबीना को हेड कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर। तो काबीना के अंदर कौन कौन लोग होते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं और एडवाइजर्स होते हैं, हु वर्क कोहेरेंटली अलॉन्ग विद द बाइकैमरल पार्लियामेंट्री
parliament and the judicature stipulation set by the constitution provided a delicate check and balance of the sharing powers between executive, legislature and judicial branches. Teen branches, jinpe humne baat ki, yani ke judicial system, legislature aur executive. To ye teen humare paas jo departments hoti hain, ya branches hoti hain, ye constitution inko balance of power ke, yani ke har ek ka ek mandate hai. जहाँ पे कानून बनता है वो पार्लियामेंट के अंदर बनता है, लेजिस्लेचर होती है, लेजिस्लेटिव जो ब्रांच है उसके अंदर कानून साजी होती है. कानून साजी को इम्प्लीमेंट किसने करवाना होता है, वो एग्जेक्टिव जो अथॉरिटीज हैं यानी कि प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट, और कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर इन लाइन विद चल रही होती हैं जो आपका बाइकैमरल सिस्टम है पार्लियामेंट के साथ, यानी कि पार्लियामेंट के अंदर मेंबर्स जो होते हैं वो उसी गवर्नमेंट के ही होते हैं जो उस ऑर्डर को बना रहते हैं. यानी कि अब देखें कानून साजी जब भी कहीं कोई अच्छे से अच्छा काम करने की नौबत आती है या कहीं प्रॉब्लम हो तो उस पर पहले कानून साजी करवाई जाती है और उसके बाद उस पर फैसले एग्जीक्यूशन के लिए जो कैबिनेट की मीटिंग होती है और उसके अंदर जितने फैसले होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर एंडोर्स करता है, समटाइम सदर के पास भेजा जाता है उसकी अप्रूवल के लिए. तो ये तीन जो ब्रांचेस हैं इनको हमने अंडरस्टैंड करना. तो एग्जीक्यूटिव ब्रांच सबसे पहले जैसे कि आती है, द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इन कीपिंग द विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दैट द स्टेट रिलीजन इज इस्लाम. तो अगर हम बात करें तो जो प्रेसिडेंट है ये उसके ऊपर सुप्रीम है एग्जीक्यूटिव, क्योंकि एग्जीक्यूटिव जो पावर्स होती है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है और प्राइम मिनिस्टर भी जो फैसले करते हैं और सदर से वो एंडोर्स करवाए जाते हैं और पार्लियामेंट से भी समटाइम उनके ऊपर वोटिंग करवाई जाती है इस तरह का कानून लेके जब आना होता है. तो अगर सदर पाकिस्तान की बात करें तो उसका जरूरी है कि वो मुसलमान हो, मस्ट बी ए मुस्लिम, इलेक्टेड फॉर ए 5 ईयर और 5 साल के लिए सदर को मुंतखब किया जाता है थ्रू एन इलेक्टोरल कॉलेज. इलेक्टोरल कॉलेज से मुराद क्या है, उसके अंदर कंसिस्टेंट मेंबर्स ऑफ द सेनेट, यानी कि सेनेट भी उसमें हिस्सा लेती है, नेशनल असेंबली हिस्सा लेती है और प्रोविंशियल असेंबली जो है वो भी उसके इलेक्टोरल, यानी कि ये जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं ये सारे के सारे इन सब को इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं और इसकी जो इलेक्शन है सदर का वो उसमें सारे के सारे हिस्सा लेते हैं. द प्रेसिडेंट एलिजिबल फॉर द री इलेक्शन, यानी कि दोबारा इंतखाब वो लड़ सकता है लेकिन 2 मरतबा से ज्यादा वो कंसेक्यूटिवली वो सदर नहीं रह सकता. इसके बाद लेजिस्लेटिव ब्रांच, जैसा कि पार्लियामेंट को आप लेजिस्लेटिव जिसमें अपर हाउस और लोअर हाउस, अपर हाउस को सेनेट कहते हैं और लोअर हाउस को नेशनल असेंबली कहते हैं. इसको बाइकैमरल फेडरल लेजिस्लेचर कंसिस्ट ऑफ द सेनेट जिसको अपर हाउस एंड नेशनल असेंबली जिसको लोअर हाउस. अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 50 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द नेशनल असेंबली द सेनेट एंड द प्रेसिडेंट टुगेदर मेक अप ए बॉडी नोन एज द मजलिस ए शूरा. यानी कि सेनेट और यानी कि अपर हाउस, लोअर हाउस जिसको सेनेट और कौमी असेंबली और इसके अलावा प्रेसिडेंट, ये सारे मिलके इसको मजलिस शूरा कहते हैं जिसका मतलब होता है काउंसिल ऑफ एडवाइजर, यानी कि नसीहत करने वाला या सही या मशवरा करने वाला एक पूरी पूरी जो एक बॉडी है. तो सेनेट की बात की जाए तो सेनेट में पूरे सूबों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है, हर सूबे का इक्वल राइट होता है और उनके जो नुमाइंदे होते हैं और ये परमानेंट एक इदारा है यानी कि जिसके मेंबर्स हाफ पीरियड के लिए उनकी इलेक्शंस होते हैं और उसके बाद जब उनका पीरियड पूरा होता है तो दूसरा आ जाते हैं और इनका 3 ईयर का पीरियड होता है तो एक पीरियड टर्म खत्म होती है तो दूसरे की आ जाती है और ये परमानेंट इदारा है जब आप डेमोक्रेसी सिस्टम आपका चल रहा हो. द सेनेट इज ए परमानेंट लेजिस्लेटिव बॉडी विद इक्वल रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ईच ऑफ द 4 प्रोविंसेस, जो 4 सूबे हैं उनमें सबको इक्वल नुमाइंदगी दी जाती है. इसमें आबादी के लिहाज से आपको सीटें नहीं बल्कि हर एक सूबे को इक्वल नुमाइंदगी दी जाती है. इलेक्टेड बाई द मेंबर्स ऑफ द रेस्पेक्टिव प्रोविंशियल असेंबली, और हर सूबे ने जो अपने नुमाइंदे मुंतखब करने होते हैं वो उनकी जो सूबाई असेंबली होती है वो मुंतखब करके उनको भेजती है सेनेट के पास. तो इसके अलावा देयर आर रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज, यानी कि फाटा के भी लोग जो अब केपीके का हिस्सा बन चुका है, एंड फ्रॉम द इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी जिसको ICT कहते हैं, इसके भी मेंबर्स होते हैं. द चेयरमैन ऑफ द सेनेट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इज द नेक्स्ट इन लाइन टू द टू एक्ट एज द प्रेसिडेंट. जब प्रेसिडेंट आपका कहीं बिजी होता है, कहीं रुखसत पे होता है या कहीं बाहर गया होता है तो उसकी जगह जो सेनेट का चेयरमैन है वो प्रेसिडेंट के तौर पर एक्ट करता है. ये अक्सर सवाल आता होता है तो इसको आपने याद रखना है एमसीक्यू पैटर्न पे जो भी कहीं पे आपका सवाल हो तो. यानी कि प्रेसिडेंट का सेकंड कौन होता है या जब प्रेसिडेंट अपनी सीट पे नहीं होता है या कहीं रुखसत पे होता है तो उसकी जगह कौन लेता है, तो चेयरमैन सेनेट जो है वो लेता है.
वो ऑफिस लेता है, और जब तक ऑफिस वैकेंट होता है उस तक जो प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट हो तो तब तक जो है सेनेट के चेयरमैन टेक अप करता है अंटिल सच टाइम एज द न्यू प्रेसिडेंट कैन बी फॉर्मली इलेक्टेड। बोथ द सेनेट एंड द नेशनल असेंबली कैन इनिशिएट एंड पास लेजिस्लेशन। दोनों जो है सेनेट और नेशनल असेंबली ये कानून साजी कर सकते हैं, लेकिन जो फाइनेंस के बिल्स हैं वो सेनेट इनिशिएट नहीं कर सकती, बल्कि वो नेशनल असेंबली के हक है। क्यों? इसकी एक लॉजिक है, क्योंकि अवाम का पैसा होता है, टैक्स से कलेक्टेड होता है, और अवाम के नुमाइंदे एमएनएस होते हैं जो कि कौमी असेंबली के मेंबर्स होते हैं, लिहाजा अवाम के नुमाइंदे ही अवाम के पैसे के लिए जो फैसले करने वो करें। तो ये लॉजिक है, ओनली दी नेशनल असेंबली कैन अप्रूव द फेडरल बजट एंड ऑल फाइनेंस बिल्स। तो ये कौमी असेंबली की पिक्चर है। इसके बाद नेशनल असेंबली के मेंबर्स के बारे में बात करें, मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली आर इलेक्टेड बाय यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज फॉर्मली 21 ईयर जो पहले टाइम था और अब इसका जो है 18 ईयर हो चुका है। सीट्स आर एलोकेटेड टू ईच ऑफ द फोर प्रोविंसेस। हर सूबे को इसका हिस्सा दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, द फैमिली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज एंड इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। तो जितनी जिस सूबे की पॉपुलेशन ज्यादा होगी उसको उतनी ही सीटें ज्यादा नुमाइंदगी दी जाएंगी। नेशनल असेंबली मेंबर्स सर्व फॉर द पार्लियामेंट्री टर्म विच इज 5 ईयर। तो इनकी जो मेंबर होती है, मर्याद होती है, वो 5 साल के लिए होती है, unless they die or resign sooner, या उनमें से वो पहले किसी की डेथ हो जाए या वो पहले उससे इस्तीफा दे दे, और unless the national assembly is dissolved, और national assembly जब dissolve हो जाती तो भी 5 साल के टाइम से पहले उनकी membership खत्म हो सकती है। although the vast majority of the members are Muslim, मुसलमान होते हैं, about 5% of the seats are reserved for minorities, तो 5% जो है वो कोटा मिनोरिटीज का है, अकलीतों का है, इंक्लूडिंग क्रिश्चियन हिंदूज एंड सिख्स। इलेक्शन फॉर मिनोरिटी सीट्स आर हेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ द सेपरेट इलेक्टोरेट एट द सेम टाइम एज द पोल्स फॉर द मुस्लिम सीट्स ड्यूरिंग। जिस तरह मुसलमानों के जब इलेक्शन होते हैं तब जो उनके सेपरेट अकलीतों की नुमाइंदगी के लिए जो इलेक्शन होते हैं वो भी होते हैं, और जो अकलीतों के वोट होते हैं वो भी अपने सिर्फ और सिर्फ अगर किसी क्रिश्चियन की या सिख की एक सीट है तो उस पर अकलियत ही रहेंगे, यही नहीं होगा कि उसको ओपन इलेक्शन हो और उसमें दूसरे मुसलमान भी पार्टिसिपेट करें और उसके वोट बांटें। अकलीतों के वोट अलग से, इसको सेपरेट इलेक्टोरेट कहते हैं, जो कि मुसलमानों ने हिंदुस्तान की जब आज़ादी से पहले काफ़ी कोशिश करते थे कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट मिल जाए, यानी कि जो मुसलमानों की सीटें उसके सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही सीट पे वोटिंग के जरिए आ सके। जुडिशियल ब्रांच की अगर बात करें तो सबसे हेड जो होती है टॉप पे होती है वो सुप्रीम कोर्ट होती है। द जुडिशरी इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट, प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, सिविल एंड मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स एक्सरसाइजिंग सिविल एंड क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन। तो उनके पास सिविल और क्रिमिनल नियत के जितने केसेस होते हैं उनको निपटा रहते हैं। सम फेडरल एंड प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल सच एज सर्विस कोर्ट्स, इनकम टैक्स एंड एक्साइज कोर्ट। तो ये जो फर्दर कोर्ट बनाई होती हैं बेस्ड ऑन द स्पेशलिटी ऑफ द जजेस कि वो किस पे डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, जिसका जिस एरिया में एक्सपर्टीज होगी उसको अलग कर दिया जाता है, तब इस कोर्ट और दूसरी कोर्टों के। बैंकिंग कोर्ट एंड बोर्ड्स ऑफ रेवेन्यू ट्राइब्यूनल आर एज वेल एस्टैब्लिश इन ऑल प्रोविंसेस। तो तमाम सूबों के अंदर ये एस्टैब्लिश किए गया होता है। सुप्रीम कोर्ट की अगर बात की जाए इन रेफरेंस ऑफ द आर्टिकल 175A अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस किस तरीके से हो सकती है, द सुप्रीम कोर्ट हैज ओरिजिनल एपीलेट एंड एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। तो इसके पास एडवाइजरी और अपील जो आती है उनको सेट ऑफ करने के लिए, या उनको किसी का कोई मामला ऐसा है जिसको आर्बिट्रेट करवाना पड़े, या जहाँ पे नीचे फैसले से कोई अवाम मुतमिन नहीं होती तो हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में अपील करने से। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। देयर शैल बी ए जुडिशियल कमीशन ऑफ द पाकिस्तान। जुडिशियल कमीशन भी होता है जो कि एक कंपोजिशन बॉडी होती है जिसमें मुख्तलिफ एक्सपर्ट होते हैं जो कि फैसले काफ़ी करते हैं। जो जुडिशियल कमीशन है उसके पास काफ़ी पावर होती है जजेस की सिलेक्शन वगैरह, इलेक्शन जो उनकी जो होती है प्रमोशन वगैरह उसके बारे में मामला देख रहे। हियर एंड आफ्टर दिस आर्टिकल रेफर्ड टू एज द कमीशन, यानी कि जुडिशियल कमीशन को सिर्फ कमीशन के नाम से बोलेंगे। पर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जिनका मकसद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस एंड द फेडरल शरीयत कोर्ट जो है एज हियर एंड आफ्टर प्रोवाइडेड, तो उनके जजेस की जो इंतखाब है वो करते हैं। सेकेंड नंबर पर फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट द कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ, जब किसी सुप्रीम कोर्ट के किसी जज की जो उसकी करनी हो सिलेक्शन, तो इसकी कंपोजिशन कैसे होगी, सबसे पहले
नंबर वन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसका चेयरपर्सन होगा, नंबर टू चार उसके मोस्ट सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होंगे जो कि मेंबर होंगे, तीसरे नंबर पे ए फॉर्मर चीफ जस्टिस और ए फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान टू बी नॉमिनेटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो भी होगा इन कंसल्टेशन विद द जो चार मेंबर्स है बाकी जज हैं उनके साथ फॉर ए टर्म ऑफ टू ईयर, दो साल के लिए उसको एज ए मेंबर रखा जाएगा। फेडरल मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस वो भी इसका मेंबर होगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान वो भी मेंबर होगा, ए सीनियर एडवोकेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नॉमिनेटेड बाय द पाकिस्तान बार काउंसिल फॉर द टर्म ऑफ टू ईयर्स वो भी मेंबर होगा। इसके बाद नाउ नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन क्लास वन और क्लास टू द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट द मोस्ट सीनियर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे टॉप पे यानी कि सीनियर जज होगा उसको चीफ जस्टिस बनाया जाएगा और ये सदर के पास आएगा। इसके बाद है फेडरल शरीयत कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो इस्लामी मामलात को जांच पड़ताल के लिए हमारी जो कोर्ट है वो डिसाइड कर रही होती है, फैसलों को देख रही होती है, इसके बारे में जानना जरूरी है। द फेडरल शरीयत कोर्ट जिसको FSC भी कहते हैं और ऑफ पाकिस्तान इज अ कोर्ट विच हैज द पावर टू एग्जामिन एंड डिटरमिन वेदर द लॉज ऑफ द कंट्री कंप्लाई विद द शरीयत लॉ। इनका मकसद क्या होता है, जितने भी कानून बने शरीयत के मुतजाद कोई भी ना बने। इट कंसिस्ट ऑफ 8 मुस्लिम जजेस अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, इसके 8 जज होते हैं जो कि सदर पाकिस्तान जो है नॉमिनेट करता है। ऑफ द 8 जजेस 3 आर रिक्वायर्ड टू बी उलमा हु आर वेल वर्स्ड इन इस्लामिक लॉ, 3 उसमें से इस्लाम के उलमा होने चाहिए जिनके पास हर लिहाज से दीन की बहुत सारी मालूमात हों, और द जजेस होल्ड ऑफिस फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर विच मे इवेंचुअली बी एक्सटेंडेड बाय द प्रेसिडेंट, 3 साल के लिए उनकी जो इंतखाब होता है और उसको बढ़ाया भी जा सकता है। ये फेडरल शरीयत कोर्ट का जो इमारत है। इसके बाद आती हैं प्रोविंशियल एंड हाई कोर्ट्स के बारे में जानना जरूरी है। प्रोविंशियल कोर्ट्स कौन सी होती हैं, जो सूबाई सूबे हर एक सूबे के अलग अलग से हाई कोर्ट उनको दी गई है, जो कि सूबाई जो हर सूबे के दारुल हुकूमत यानी कि अगर पंजाब है तो उसका दारुल हुकूमत लाहौर है तो लाहौर हाई कोर्ट, इस तरीके से KPK है उसका जो कैपिटल है वो पिशावर है तो पिशावर में जो कोर्ट है उसको पिशावर हाई कोर्ट कहते हैं, इस तरह क्वाटा हाई कोर्ट और कराची हाई कोर्ट। तो इन एवरी प्रोवेंस देर इज वन हाई कोर्ट, करंटली ऑल 4 प्रोवेंसेज पंजाब सिंध खैबर पख्तूनख्वा एंड बलूचिस्तान हैव हाई कोर्ट्स रेस्पेक्टिवली कॉल्ड लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, पिशावर हाई कोर्ट एंड बलूचिस्तान हाई कोर्ट। आफ्टर द अप्रूवल ऑफ 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन अप्रैल 2010 ए न्यू हाई कोर्ट इज एस्टैब्लिश्ड एट फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद विद द नेम ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो ये 5वें नंबर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट एस्टैब्लिश की गई है। फॉरेन रिलेशंस की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान इज द सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री इन द टर्म ऑफ द पॉपुलेशन, आबादी की बात की जाए तो पाकिस्तान जो है मुस्लिम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है, एंड इट्स स्टेटस एज डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर बीइंग द ओनली मुस्लिम नेशन टू हैव दैट स्टेटस, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अकेला इस्लामी मुल्कों में से एटमिक पावर रखता है। प्ले अ पार्ट इन इट्स इंटरनेशनल रोल, तो इसलिए पाकिस्तान की अहमियत बढ़ जाती है। इट इज ऑल्सो एन एक्टिव मेंबर ऑफ द UN, यानी कि यूनाइटेड नेशन का भी ये एक्टिव मेंबर है। पाकिस्तान इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC का भी एक एक्टिव मेंबर पाकिस्तान है। तो ये था बेसिकली पाकिस्तान के मुताबिक जो गवर्नमेंट या पोलिटिकल सिस्टम है उसके बारे में हर एक का जानना ज़रूरी था, क्योंकि इस पर हमारा लेक्चर नहीं था इसलिए हमने बनाना मुनासिब समझा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप देख रहे थे ये लेक्चर हार्वर्ड अकेडमी की तरफ से, और आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं हमारी अकेडमी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।